किसान भाइयों नमस्कार, मैं पारगर सिंह फार्मिंग मूड से। आज बातचीत करेंगे पूसा बासमती 1885 के बारे में। आपने 1121 का नाम सुना होगा, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई बासमती 1718। दोनों बासमती चल रही हैं इस सेगमेंट में, जिसमें धान के दाने काफ़ी लंबे हैं और खुशबूदार हैं और मीडियम टाइम ड्यूरेशन की हैं। और जो 1121 थी उसकी पैदावार बहुत कम हो चुकी है, बीमारी बहुत ज़्यादा आती है उसमें, फुट रूट ज़्यादा आता है और भी कई उसमें बीमारियां ज़्यादा आने लगी हैं। 1718 में ये बीमारियां कुछ हद तक कम हो गई। अब लेटेस्ट इस पाइपलाइन में 1885 वैरायटी पूसा द्वारा दी गई है। क्या इसको लगाने का सही समय, यील्ड क्या है, हाइट क्या है, क्या करैक्टर है, किस एरिए के लिए बनी हुई है, इन 5-6 मेन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पहले भी हमने एक वीडियो डाला है 1847 के बारे में, 1886 के बारे में, लगभग आज से 7-8 मंथ पहले, तो उस पे भी हमने पूरी क्रॉप को दिखाया है किस तरीके का लुक है, फार्मर का क्या फीडबैक है। तो इस 1885 को हम पहले नहीं दिखा पाए, अब दिखा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उस वैरायटी के खास करैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। ये वैरायटी लगभग 140 दिन का समय लेती है। इसको, इसकी नर्सरी लगाने का या DSR करने का सही समय क्या है, एंड ऑफ मई या एंड स्टार्टिंग ऑफ जून। एंड ऑफ मई में आप इसकी नर्सरी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ जून में आप इसको DSR कर सकते हैं। अगर खेत में लगाना है तो स्टार्टिंग ऑफ जुलाई आप खेत में लगाएं और कम से कम समय की नर्सरी लगाएं, क्योंकि हर खेत का सिस्टम अलग है, उसमें पानी का करैक्टर, उसमें सोयल का करैक्टर और उसके वहाँ पे वर्षा का क्या दौर रहेगा, मानसून कैसे इफेक्ट करती है उस एरिए को, इसी करैक्टर को एक बंडल के रूप में करैक्टर को स्टडी करके GI टैग मिलता है किसी स्टेट को, किसी स्टेट के खास डिस्ट्रिक्ट को, लोकेशन को, तो उसी GI टैग मिले हुए एरिए में ही बासमती किस्मों की खेती की जाती है, ताकि उसमें उत्पादन अच्छे से अच्छा हो, क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो और उसकी गुणवत्ता में भी कमी ना आए, उसके जो गुण हैं वो कम ना हो। तो जिन एरिया को GI टैग नहीं मिला हुआ तो वहाँ पर इसकी खेती ना करें। अगर आपने इसकी रुपाई अर्ली कर दी और मिड ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग अक्टूबर इसकी कटिंग हो गई, तो इसमें उतने अच्छे करैक्टर नहीं बनेंगे, इसके दाने की क्वालिटी, शेप, लस्टर, साइज, खुशबू कुछ भी वैसा नहीं बनेगा जैसा स्टैंडर्डली या प्रीमियम क्वालिटी का बनना चाहिए। इस वैरायटी को अच्छे तरीके से पैदावार लेने के लिए, वैसे तो इसकी पैदावार तो काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल जो पहले दो इसी सेगमेंट में वैरायटी चल रही है जो लॉन्ग हाइट की है, मीडियम ड्यूरेशन की है, तो उसमें इसकी पैदावार अच्छी है। इसकी पैदावार करैक्टर पूरा मैं स्क्रीन के ऊपर आपको ब्लिंक करवा रहा हूँ, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन क्या है कि पैदावार जो दिखाई जाती है और पोटेंशियल जील दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है, लगभग 15-20% का फ़र्क रहता है। आपके एरिए में कैसा रहेगा, आपके एरिए में क्या आप इसको अच्छा कंपैटिबल बना सकते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको जजमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ट्रायल करना पड़ेगा कम एरिए में। अगर पहले से बासमती लग रही है तो ठीक है, आप थोड़ा एरिया लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरिया एकदम इस वैरायटी के नीचे नाम लेके आए आप, क्योंकि किसी वैरायटी को बाय नेम बिकने में भी टाइम लगता है जब वो प्राइवेट सेक्टर में खरीद की जाती है। तो बासमती पूरे देश में खाई भी कम जाती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाती है और सरकारी खरीद इसकी होती नहीं, इसका कोई MSP नहीं होता किसी स्टेट में भी, और पूरे देश में से लगभग 7 स्टेट्स के अंदर ही ऐसी खेती की जाती है। इसको DSR में क्या प्रॉब्लम आती है, इसको नर्सरी में क्या प्रॉब्लम आती है, हम इस पूरे बंडल और जानकारी को एक बुक में देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद आपको उस बुक का भी पता चल जाएगा, वो हमारी बुक Amazon पे अवेलेबल हो जाएगी अप्रैल में। तो बासमती की बिजाई नर्सरी बोने से पहले ही आपको वो बुक भी मिल जाएगी, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। पहले हमने कॉटन के ऊपर बुक लिखा था और पंजाबी चैनल पे हम क्रॉप इन्फॉर्मेशन लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। अभी हम फार्मिंग मूड हिंदी ऑडियंस के लिए एग्रीकल्चर कंटेंट बनाने का काम शुरू किया है, आप अप्रिशिएट कीजिए और हम लगातार इसमें कंटेंट तैयार करके आपको देते रहेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बने रहें। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू।